विंडोज 10 जब लॉन्च हुई थी तब माइक्रोसॉफ्ट ने कहा था कि वो लास्ट विंडो होगी और माइक्रोसॉफ्ट इसके बाद कोई विंडोज रिलीज नहीं करेगा। इनफैक्ट विंडोज अपडेट में वो विंडोज 10 में ही अपडेट लाएंगे और उसको अपडेट करेंगे। बट कुछ 6 साल बाद माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस करा कि विंडोज 11 रिलीज करने वाला है और वो लास्ट ईयर जून में रिलीज हो गई थी। अब फिर से रिपोर्ट में सामने आया कि विंडोज 12 भी रिलीज हो सकती है जो कि 2024 में। ये तो अभी सिर्फ लीक्स हैं और रिपोर्ट्स ऐसा कहती हैं, बट अभी ऐसा कुछ श्योरिटी नहीं है कि रिलीज होगी। जब विंडोज 12 लॉन्च होगी तो उसमें आपको काफी सारे नए फीचर्स देखने मिलेंगे विंडोज 11 के ऊपर। इसमें बात करने वाले कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में जो आपको विंडोज 12 में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो फीचर है जो विंडोज 12 में आना चाहिए वो है लाइव फीचर। अभी आपको विंडोज 11 में स्टैटिक वॉलपेपर देखने को मिलते हैं जो कि एकदम कॉन्स्टेंट रहते हैं, बट अगर विंडोज 12 में लाइव वॉलपेपर आते हैं तो आपकी पीसी को एक एस्थेटिक लुक देंगे। आपका पीसी अच्छा दिखेगा काफी ज्यादा अगर आप मल्टी मॉनिटर सेटअप यूज करते हैं तो, या फिर नॉर्मली आप पीसी को यूज करते हैं तो उसमें लाइव वॉलपेपर होंगे वो काफी ज्यादा अच्छे दिखेंगे। विंडोज 10 के बाद से हमें विंडोज में काफी सारे यूआई चेंजेस देखने को मिले हैं। विंडोज 10 एक कंप्लीटली रिवैम्प वर्जन था विंडोज का विंडोज 8 का कंपेयर करें तो, और वहीं पर विंडोज 10 की बात करें तो आपको उसमें काफी सारे नए चेंजेस देखने को मिल जाते हैं विंडोज 10 के ऊपर। और जब विंडोज 12 जब आएगी तो उसमें आपको काफी सारे नए विजुअल चेंजेस देखने को मिलेंगे। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें नए बेटर यूआई और एक स्मूथर एनिमेशन हमें देखने को मिले। साथ ही में जो इसमें विंडोज 11 ने जो विजेट्स ऐप जो इंक्लूड करा था वो मैं चाहता हूँ कि हट जाए क्योंकि वो कुछ काम का तो है नहीं। उसमें कुछ मतलब न्यूज़ आती है जो कुछ काम की नहीं है। इनफैक्ट अगर उसमें कुछ जैसे ऐप्स के टॉगल्स देखने मिले या फिर ऐप्स के विजेट्स देखने मिले तो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा वो। विंडोज 11 का जो मीडिया प्लेयर है वो इतना कुछ खास नहीं है, उसमें आपको एक्सटेंशन सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा स्लो भी है। तो अगर विंडोज 12 लॉन्च होती है तो उसमें एक बेटर मीडिया प्लेयर होना चाहिए जो कि सारे एक्शन सपोर्ट करे और एक स्मूथर प्लेबैक भी दे। माइक्रोसॉफ्ट जब विंडोज 12 को रिलीज करे तो इनमें विंडोज 12 लाइट वर्जन भी लॉन्च करना चाहिए। जो भी करंटली विंडोज 11 चल रही है वो हाई एंड पीसी सपोर्टेड है, तो अगर उसको आप लो एंड पीसी यूज करते हो तो चल तो जाएगी वो, और काफी ज्यादा लैगी होगी क्योंकि काफी ज्यादा हैवी वेट विंडोज 11 है। जब विंडोज 12 लॉन्च होती है तो विंडोज 12 लाइट एक लॉन्च होनी चाहिए जो कि लो एंड पीसी सपोर्टेड होगी। फिर ऐसे में क्या होगा, जो विंडोज 12 लाइट जो होगी वो आपको लो एंड पीसी में चलेगी, उसमें आपको थोड़े कम फीचर्स देखने को मिलेंगे बट वो लो एंड पीसी में अच्छे चलेगी, कोई बग नहीं देखने को मिलेगा, उसमें आपको कोई लैग देखने को नहीं मिलेगा। नहीं, विंडोज 12 जो होगी वो हाई एंड पीसी के लिए होनी चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि आपका एक प्रोडक्ट में एक सिस्टम फॉर्म करते हैं, अगर आपके पास एक मैकबुक है और एक आईफोन है तो आपको उनके बीच में सीमलेस कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। अपना डेटा ट्रांसफर इजिली करते हैं, आप अपने ऐप्स को कंटिन्यू इजिली कर सकते हैं। वहीं पर जो विंडोज और एंड्रॉइड है उनकी जो इकोसिस्टम है इतना कंप्लीट नहीं है, वो इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, आपका डेटा ट्रांसफर इतनी इजिली पॉसिबल नहीं होता है। अगर आप एक विंडोज पीसी यूज करते हैं तो आपको एक फोन लिंक करके ऐप देखने को मिल जाएगा और ये सेम ऐप आपको अपने एंड्रॉइड फोन में देखने को मिलेगा। आप इस ऐप के जरिए अपने फोन और पीसी को इजिली कनेक्ट कर सकते हैं, उनके बीच में डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। हालांकि इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है क्योंकि हम आपको काफी सारे फीचर्स जो मिसिंग मिलते हैं, जैसे अपने कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते इजिली, अपने ऐप्स को लॉन्च नहीं कर सकते। ये सैमसंग के हाई एंड डिवाइस में अवेलेबल है और कोई भी अगर आप एंड्रॉइड फोन और यूज करते हैं तो आपको इसमें ये देखने को नहीं मिलता है। तो विंडोज 12 के साथ माइक्रोसॉफ्ट को ये अपडेट करना चाहिए और ये जो फीचर्स है सारे फोन में अवेलेबल करना चाहिए ताकि आपको इनके एक सीमलेस कनेक्टिविटी देखने को मिल जाए, आपको एक अच्छा इकोसिस्टम फॉर्म होता है विंडोज और एंड्रॉइड का। जैसा कि आपको पता है कि विंडोज 10 में एक कॉर्डा नाम का एक असिस्टेंट था जो किसी काम का नहीं था, तो माइक्रोसॉफ्ट ने उसको विंडोज 11 में रिमूव कर दिया। तो विंडोज 12 के साथ माइक्रोसॉफ्ट को गूगल से पार्टनरशिप करनी चाहिए जिसमें आपको गूगल असिस्टेंट आपको विंडोज 12 में देखने को मिल जाए, जिसको आप यूज कर सकते बेसिक टास्क जैसे अलार्म के लिए, रिमाइंडर सेट करने के लिए, या फिर ऐसे और भी बेसिक टास्क यूज कर सके उसका। तो विंडोज 12 कब लॉन्च होगी, रिपोर्ट्स में सामने आया कि विंडोज 12 जो 2024 में लॉन्च हो सकती है। हालांकि ऐसे लीक्स और रिपोर्ट्स हैं, ऐसे कोई श्योरिटी नहीं है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसा कुछ अनाउंस नहीं करा अभी तक, बट ऐसा एक्सपेक्टेड है कि विंडोज 12 जो 2024 में लॉन्च हो सकती है। ये प्री अपग्रेड होगा एक्जिस्टिंग विंडोज यूजर्स के लिए और जो नए लैपटॉप जाएंगे उनमें आपको विंडोज 12 अपग्रेड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और अगर आप 2024 में कोई लैपटॉप लेते हो आपको उसमें विंडोज 12 पहले से देखने को मिलेगी। हालांकि जो पीसी यूजर्स होंगे तो कस्टम पीसी बिल्ड करेंगे, उनको विंडोज 12 परचेज करनी पड़ेगी अलग से, उनको अपने पीसी में उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को और जल्दी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि आपको और ऐसी वीडियो मिल सके। तब तक के लिए बाय।